हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत मुबारकबाद। और आज इंडिपेंडेंस डे पर हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं तिरंगा पनीर की रेसिपी। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी और बच्चों को जो है इंडिपेंडेंस डे पर आप सर्व करेंगे उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को तैयार करना। तो यहाँ पर करीब आधा किलो मैंने पनीर लिया है और इन्हें मैंने मीडियम साइज के पीसेस में काट लिया, स्क्वायर या ट्राइंगल आप कोई भी शेप में काट सकते हैं। यहाँ पर मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है, दो नींबू इनका रस ले लेंगे, नमक लिया है वन टीस्पून ही जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया था और हाफ टी स्पून मैंने क्यूमिन पाउडर लिया है, 1 टीस्पून मैंने लिया है ब्लैक पेपर पाउडर यानी कि काली मिर्चों का पाउडर और दही लिया है 1 कप यानी कि 200 ग्राम मैंने दही लिया है आधा किलो पनीर के लिए। तो सबसे पहले ये बेसिक से इंग्रेडिएंट है, इनको हम मैरिनेशन कर लेते हैं पनीर का। तो यहाँ पर मैंने एक बड़ा बर्तन ले लिया है और पनीर हम इसमें ऐड कर देते हैं, पनीर पूरा भर जाएगा। और यहीं पर हम डालने वाले हैं दही, इसमें सारा ही दही मैं डाल दूंगी। यहीं पर हम डाल रहे हैं ब्लैक पेपर पाउडर, काली मिर्चों का पाउडर। अगर आपके पास दखनी मिर्चें हो यानी कि गोल सफ़ेद मिर्च, आप वो इस्तेमाल करें। मेरे पास पाउडर नहीं था, साबुत काली मिर्च साबुत सफ़ेद मिर्च थी तो मैंने यहाँ पर काली मिर्च का पाउडर इस्तेमाल किया। और यहाँ पर हमने 1 टीस्पून क्यूमिन पाउडर डाल दिया है, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट और अब हम नींबू का रस निचोड़ देंगे इसमें। तो अब हम इसमें नींबू का रस ऐड कर देंगे, करीब 2 टेबलस्पून होना चाहिए। आप 2 नींबू निचोड़ लें अगर ज़्यादा रस नहीं है तो। यहाँ पर मैंने करीब 2 टीस्पून जो है 2 टेबलस्पून मैंने नींबू का रस डाला है। और अब हम इसे मिक्स कर लेते हैं, अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। आज पता नहीं क्यों मैं अटक रही हूँ बहुत ज़्यादा, आई एम सो सॉरी। तो यहाँ पर हमने पनीर को मैरिनेट कर दिया है, आप देख सकते हैं कि मैंने ब्लैक पेपर का इस्तेमाल किया है। ये देखिए काला इस पे निशान आ रहे हैं क्योंकि ब्लैक पेपर, अगर आप व्हाइट पेपर का इस्तेमाल करेंगे तो ये सब चीज़ें नहीं आएंगी और पनीर का कलर बिल्कुल व्हाइट आएगा। तो अगर आपके पास व्हाइट पेपर पाउडर है तो आप वो यूज़ करें, मेरे पास नहीं था मैंने इसलिए यूज़ नहीं किया। तो अब हम इसे 15 से 20 मिनट या आधा घंटा इसको छोड़ देंगे, उसके बाद हम इसको तैयार करेंगे। कम से कम 15 से 20 मिनट तो मैरिनेट होना ही चाहिए। तो यहाँ पर हमारा पनीर मैरिनेट होते हुए काफी देर हो चुकी है और कलर के लिए हमने यहाँ पर हरी चटनी ली है ग्रीन कलर के लिए। मैंने इसमें मिर्चें बहुत हल्की रखी हैं, आप अगर तीखा चटपटा चाहें तो दोनों में मिर्च आप ज्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पर रेड चिली पाउडर मैंने कश्मीरी रेड चिली लिया है, इससे कलर आएगा, तीखापन ज़्यादा नहीं होता इसमें, बहुत मामूली सा होता है। और इसमें हमने काली मिर्च डाली थी, बिल्कुल बराबर की डाली थी जितनी हमें चाहिए थी। तो अब मैं इसको तैयार कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ली है और इसमें मैं सारा पनीर एक साथ ऐड कर दूंगी। अब यहाँ हमें पनीर को गलाना तो बिल्कुल नहीं है क्योंकि पनीर को गलाने की ज़रूरत होती ही नहीं है, तो सिर्फ हम इसे कुछ देर पकाएंगे। फुल फ्लेम पर हमने इसे कुक करना है, चलाते हुए पकाएंगे नहीं तो दही फटने का डर रहता है। तो मैं इसका पानी खुशक करती हूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे हमें क्या करना है। इसका जितना भी पानी है उसे हमने ड्राई कर लेना है। ये देखिए इसमें हमने कोई पानी नहीं डाला है, ये दही और पनीर ने ही पानी छोड़ा है। तो इसे फुल फ्लेम पर हम कुक करेंगे जब तक के बिल्कुल पानी अच्छी तरह से सूख ना जाए, बिल्कुल ड्राई ना हो जाए, उसके बाद ही हम आगे की रेसिपी तैयार करेंगे। और पनीर को बहुत हल्के हाथों से आपने चलाना है नहीं तो पनीर टूट जाएगा, बहुत सॉफ्ट होता है पनीर, तो बहुत हल्के हाथों से करना है। और यहाँ पर मैंने ब्लैक पेपर ऐड करी थी, आप व्हाइट पेपर का इस्तेमाल करेंगे तो बिल्कुल इसका कलर अच्छा आएगा। तो यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ कि थोड़ा सा ये मलाई निकाल करके मैं फ्रीजर में रख देती हूँ, मैंने बताया हुआ है
तो ये भी हम इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा इसमें घी के बजाय मलाई का इस्तेमाल करें, थोड़ा रिच बनेगा और बहुत क्रीमी सा इसका टेक्सचर आएगा। और ये कम से कम 4 टेबलस्पून मलाई मैंने डाली है, तो ये देखिए काफी क्रीमी सा इसका टेक्सचर आ गया, जो पनीलापन था वो खत्म होता जा रहा है। अब हमने क्या करना है, इनको 3 पार्टीशन में कर देना है, 3 हिस्सों में डिवाइड कर देना है। थोड़ा सा पानी और खुशक कर लेते हैं, वैसे गाढ़ापन आने लगा है इसमें। तो यहाँ पर हमने 2 हिस्सों में बांट दिया है और तीसरा हिस्सा हमने यहाँ रखा है। इसमें हम थोड़ी सी चटनी ऐड कर देंगे जिससे ग्रीन कलर आ जाए। चटनी मैं यहाँ पर कलर के हिसाब से ही ऐड करूंगी, जितना हमें कलर चाहिए होगा। तो फिलहाल मैं 1 टीस्पून कर रही हूँ। मिर्च नहीं है इसमें, बहुत हल्की वाली मैंने जरा सी डाली है, या फिर आप सिर्फ धनिया का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसे 2 से 3 मिनट हमने पकाना है हल्के हाथ से मिक्स करते हुए। मैं पका देती हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी। तो बस इतना ही हमने पकाना है और अब मैं इसे बंद कर देती हूँ और एक प्लेट में निकाल लेती हूँ अलग से। यहाँ पर बहुत थोड़ा सा मैं ग्रीन फूड कलर मिला देती हूँ जिससे कि अच्छा कलर आ जाए, और इसे मिक्स करते हैं। तो यहाँ पर अब हम इसको एक कटोरी में निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हमने एक कटोरी में ग्रीन निकाल दिया है, बाकी का ये आधा हम रेड में कर लेते हैं। और यहाँ पर थोड़ा सा रेड चिली पाउडर हम ऐड करेंगे, ये देखिए, चाहे तो आप फूड कलरिंग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में मैंने 1 टेबलस्पून फिर से मलाई का इस्तेमाल किया है जिससे कलर भी अच्छा है और थोड़ा सा ये रनी सा हो जाए इसका टेक्सचर। तो मैं इसे पका लेती हूँ, लो टू मीडियम फ्लेम पर कुक कर रही हूँ। और यहाँ पर थोड़ा सा हम जो है फूड कलर का भी, आप चाहे तो टोटल फूड कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा इसका टेस्ट भी अच्छा चाहिए था, क्योंकि फूड कलर से ना एक अपना सा टेस्ट डेवलप हो जाता है, तो वो पूरा का पूरा टेस्ट खराब कर देता है कई बार अगर ज्यादा फूड कलर मुंह में आ जाता है। तो यहाँ पे इसको मिक्स करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, बस इतना ही हमें पकाना है कि कलर मिक्स हो जाए। फ्लेम बिल्कुल लो ही थी और अब मैं इसे बंद कर देती हूँ और इसे कढ़ाई को बिल्कुल साफ करके थोड़ी सी मलाई हम इसमें पकाएंगे। अब इसको हम इस बर्तन में अरेंज कर देते हैं, फिर उसके बाद मैं दिखाती हूँ किस तरह से हमने करना है। तो देखिए इस तरह से कुछ तैयार, लेकिन अभी भी जो बीच वाली रॉ है वो थोड़ी सी क्रीमी सी लग रही है, एकदम व्हाइट नहीं लग रहा है। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, यहाँ पर थोड़ी मलाई पका ली है, आप चाहें तो फ्रेश क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैं चम्मच से उठा करके डालूंगी, रात का 1 बज रहा है और मुझे डालना था, ये वीडियो अपलोड करनी थी, तबीयत ठीक ना होने की वजह से मैं सारा दिन नहीं कर पाई, तो मैंने सोचा मैं करना तो है। तो यहाँ पर ये थोड़ी थोड़ी सी क्रीम हम डाल देंगे, इससे थोड़ा सा ना रिच सा इसका टेस्ट आएगा और कलर भी इसका अच्छा रहेगा। और आपको ना हर जो ग्रीन वाला है उसका टेस्ट थोड़ा हरी मिर्च और हरे धनिया जैसा आएगा, और दूसरे में रेड चिली, मतलब हर एक पीस का अपना एक अलग टेस्ट होगा हर एक कलर का, बिल्कुल उसी तरह जैसे इन 3 रंगों का एक अलग अलग मतलब है, उसी तरह इनका एक अलग अलग टेस्ट है। तो ये हमारी तरफ से ये इंडिपेंडेंस डे पर आप सभी के लिए, और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो ये हमारा जो तिरंगा है ये इसको डेडिकेट करती हूँ मैं आप सभी इंडियंस को, बहुत बहुत मुबारक हो ये स्वतंत्रता दिवस, इंडिपेंडेंस डे, सभी लोगों को। और एंजॉय करिए अपने दिन को और इस रेसिपी को भी, उम्मीद करती हूँ आपको जरूर पसंद आया होगा। और अगर आपको पसंद आता है तो लाइक का बटन करें, प्रेस कर दें, और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। दुआओं में याद रखें, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।